दोस्तों, अगर आप एयरटेल यूजर है, एयरटेल की सिम यूज करते हैं और आपके एयरटेल की इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो आती है, आप सभी तरह के एपीएन वगैरह यूज कर चुके हैं, सभी तरह की ट्रिक फॉलो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके एयरटेल के इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, यानी कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एयरटेल की एक ऐसी एपीएन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप अपने एयरटेल की सिम में क्रिएट करके अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपके एयरटेल की इंटरनेट की स्पीड काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। अभी आपका जो इंटरनेट काफ़ी स्लो चलता है वो काफ़ी फास्ट चलने लगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एपीएन को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहां पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का जो ऑप्शन मिलता है इसमें चले जाना है। आपके मोबाइल में हो सकता है कि ये नेटवर्क सेटिंग के नाम से हो, आपको कुल मिलाकर अपने नेटवर्क सेटिंग को ओपन कर लेना है। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपकी दोनों सिम आपको नजर आ जाएंगी, इसमें से आपको अपनी एयरटेल की सिम को सिलेक्ट कर लेना है। एयरटेल की सिम को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो यहां पर ऊपर की साइड आपको दो एपीएन देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी सिम के डिफॉल्ट एपीएन है, लेकिन हमें यहां पे एक न्यू एपीएन क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए नीचे की साइड आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, न्यू एपीएन और रिसेट, तो आपको सिंपली न्यू एपीएन पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने एडिट का ऑप्शन यहां पे आ जाएगा, आप यहां से हम अपना एक न्यू एपीएन क्रिएट करेंगे। न्यू एपीएन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको नेम पे टैप करना है और नेम पे टैप करने के बाद यहां पर आपको नेम दे देना है ओनली एयरटेल। चलिए मैं यहाँ पे एयरटेल नेम दे देता हूँ, इसको सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद अब आपको जाना होगा एपीएन में, तो एपीएन को ओपन करेंगे। एपीएन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा एयरटेल पोर्टल और इसको भी आपको ऐसे सेव कर देना है। अब एपीएन की सेटिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्वर का, आपको सिंपली सर्वर को ओपन करना है। सर्वर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा www.airtel.in। यहाँ पर आप देख लीजिए आपको airtel.in देना है और इसको भी आपको ओके कर देना है। ये हमारा सर्वर सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको ओपन करना और यहाँ से आपको पीएपी को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको नीचे की साइड आएंगे तो आपको एक एपीएन टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर अभी आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा जब हम इस एपीएन को क्रिएट कर लेंगे, उसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आपको एपीएन प्रोटोकॉल का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर आपको लास्ट वाले को सिलेक्ट करना है, IPv4 IPv6। इसी तरह से आपको एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी इसी वाले को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है वो होती है आपकी बैरियर की सेटिंग। चलिए बैरियर को ओपन कर लेते हैं। अब बैरियर में आने के बाद यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या चीज आपको सिलेक्ट करनी है और क्या आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो अनस्पेसिफाइड पे से आपको टिक मार्क हटा देना है। इसके बाद आपको LTE को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद HSUPA को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको UMTS को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको EDGE को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको GPRS को सिलेक्ट करना है। मैं दोस्तों आपको यही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई और ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आप इसको ऐसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली आपको मोर वाले सेक्शन पे जाना और यहाँ से इस एपीएन को सेव कर देना है। पर आप देख सकते हैं मेरा एयरटेल पोर्टल के नाम से एक न्यू एपीएन क्रिएट हो चुका है। चलिए मैं इसको एक बार और आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि एपीएन टाइप को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, तो हमने इसको ब्लैंक कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटो फिल हो चुका है, जो जो वैल्यू इसमें आनी थी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद आपको बैक लेना है। बैक लेने के बाद कुछ नहीं करना है, इस वाले एपीएन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक ले लेना है और अब आप अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक कीजिए। जैसे एयरटेल की सिम में आपकी इंटरनेट की स्पीड काफी स्लो आ रही थी, अब आप वहां पर देखेंगे कि आपकी इंटरनेट की स्पीड काफी बूस्ट हो चुकी है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, अगर ट्रिक वर्क करती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।